देखो महाराज तो हम तो बलजीत का जाएंगे, जीत तो कोई सो हारो जीत भाई हम तो जाएंगे बलजीत का। लगातार अगर सरकारों की बात करें तो कांग्रेस की योजनाएं आपको अच्छी लगी गहलोत सरकार की या भाजपा की योजनाएं अच्छी? अब तू फिर सगड़ा ही पड़ता को क्यों खुलवा रो सा तो मेरा कहना ही बात है जो तो पूरी करो ना, ना कह दियो ना आजमत जो से मारा तो रास्ता गाड़ा खराब कर दिया। एक बैरोड तहसील का एकमात्र रोड है जो सीधा चमरवास जाता है उड़िया जैतपुर प्रतापुर, ये रोड अब तक 5 साल में पूरा नहीं हुआ। जनप्रतिनिधि हमसे ज्यादा जानते हैं, आपने बताया तो होगा ना कि इस तरीके से करवा। जनप्रतिनिधि तो अपने आप मन की करते हैं, जो चुनिंदा आदमी है उनकी सुनते हैं हम तो। राजस्थान के विधानसभा चुनाव को चंद दिन शेष है, आज विधानसभा क्षेत्र बहरोड के गाँव रिवाड़ी में हम मौजूद है, यहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे, जानेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर उनके पास क्या विजन है, पिछले चुनावों में कितने विकास के दावे हुए, कितना काम हुआ और इस बार लोग किस आधार पर वोट देने जा रहे हैं, बात करेंगे हम यहाँ कुछ मौजूद लोगों से। पाऊजी पिछले 5 सालों में क्या काम हुआ आपके? बढ़िया काम हुआ है। अब क्या लग रहा है, पार्टियों में टक्कर है, त्रिकोणीय मुकाबला है या कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है या निर्दलीय बलजीत यादव यहाँ से एक तरफा जीत नजर आ रही है? बस देखो महाराज हम तो बलजीत का जाएंगे, जीत तो कोई सो हारो जीत भाई हम तो जाएंगे बलजीत का। अरे चुनाव में महाराज यहाँ से बिल्कुल जीत को बलजीत मैं कह रहा हूँ, अब गाँव के ऊपर क्या कहे बूझ लो सबने, मैं तो नौकों से शायद या कम से ना जी तुम चाहिए तुम 3-4 हज़ार सा ना 3-4 हज़ार ना चाहिए एक बार 30-40 हज़ार सा या बलजीत बलजीत और एक बार कहीं को बोलो ना आखिर बस्ती कमाए और आज तक इतना कोई बात ना बोलो आंचल देखो क्या बनाए जो भाई रोड कमाए हॉस्पिटल और नो उस मैं कह दी मेरा ना लगा तेरा ना लगा वह काम तो हो कोई ना जो करी भाई चीज से सबसे बढ़िया करो अरे बात ढूंढाई रहा कि मैं जिंदगी में रोड ना खुले हाँ जो जो एक बार खुला को जो काम किया है बहुत जोर का किया। ठीक है अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, बात करें क्या जैसा दावा कर रहे हैं लोग काम हुआ है आप 5 सालों में? काम तो है भाई और आपके बाद त्रिकोणीय संघर्ष बता रहे हैं पब्लिक अपना वोट है बीजेपी का जी सुना कि नहीं और बस जो भी जिसका कैंडिडेट जो किसी का सपोर्टर हो तो उसी की बात कर मेरा जीत का मेरा जीत सुना कि नहीं। अभी पहलवान जी का भाई जीत गया हम कह रहे जसवंत जीत गया कोई बार संजय जीत गया काम को किया है खूब काम हुआ है 5 सालों में बलजीत ने। लगातार अगर सरकारों की बात करें तो कांग्रेस की योजनाएं आपको अच्छी लगी गहलोत सरकार की या भाजपा की योजनाएं अच्छी? गहलोत की थी सरकार राजस्थान में गहलोत की अच्छी लग रही योजनाएं कैसे क्या योजनाएं थी जिनके आधार पर वोट अब की बार मिल सकता है? योजना तो सगड़ी बढ़िया दे कर रखी से बस जमींदार आने भी अच्छी सहूलियत दे रहे उसे और पर मारे एक काम खराब कर रहा है उसे भैया रास्तों से ना या सबसे खराब कर दियो या कन करियो से या तो हमने बेरोको ने बा कांग्रेस सरकार करियो से या बलजीत करियो से या कन करियो से कन ना करियो कहीं की मिली भगत शेर कहीं की ना इसे तो वह सरपंच भी कहीं को से। अब तू फिर सगड़ा ही पड़ता को क्यों खुलवा रो सा तो मेरा कहना ही बात है जो तो पूरी करो ना वह कह दियो ना आजमत जो से मारा तो रास्ता गाड़ा खराब कर दिया और परेशानी वैसे हम तो सामने आवा है ना अब दिखे कम से हमने तो और बैटरी से एक दिन छिपे हो और बैटरी से आनु जानू पड़े से। क्या क्या कारण रहे विकास कार्यों के लिए ही तो रोड को खुदवाया होगा ना दोबारा बनाने के लिए क्या लगता है आपको क्या क्या वजह रही होगी? क्या विकास तो धरातल पे तो क्या है कुछ नहीं है योजना है उसने भी की है योजना है इसने भी की है बीजेपी ने भी की है कांग्रेस ने की है मुख्यमंत्री नहीं इस बार योजनाएं लागू की हाँ। क्या इस बात को अब की बार ये 500 की सिलेंडर बता रहे हैं अब मोदी ने 450 कर दिया ठीक बात है। एक बैरोड तहसील का एकमात्र रोड है जो सीधा चमरवास जाता है उड़िया जैतपुर प्रतापुर ये रोड अब तक 5 साल में पूरा नहीं हुआ अब भी वो काम चल रहा है अभी बैरोड के पास 5 साल में एक रोड को इसने रुका के रखा है कारण एक ही रोड था बैरोड तहसील का मात्र एक रोड
वजह तो आपको समझ वजह ये राजनीति का है, कभी उसको ठेका दिया। जैसे ये जो नई बोरिंग का जो कह रहे हैं भाई साहब कि भाई उन्होंने उद्घाटन नहीं करने दिया, ऐसा सरपंच पे दबाव है कि भाई आप प्रधान जी को ला के वो चालू नहीं करवा सकते, बगैर MLA की इजाजत के आप चालू नहीं करवा सकते, वो भाई साहब बता रहे हैं ऐसा, ऐसा कुछ है तो भाई बता रहे हैं। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कनेक्शन नहीं है, तो जिस बोर में पानी कम है उसको शिफ्टिंग कर, तो शिफ्टिंग कनेक्शन शिफ्टिंग होते हैं कि नहीं होते हैं भाई? किसान भाई भी शिफ्टिंग करता है। जनप्रतिनिधियों को समझाया क्या ये कि भाई अब हमें जनप्रतिनिधि हमसे ज्यादा जानते हैं? आपने बताया तो होगा ना कि इस तरीके से करवा। जनप्रतिनिधि तो अपने आप मन की करते हैं, जो चुनिंदा आदमी है उनकी सुनते हैं, हम तो कहीं जाते नहीं है भाई। आप परचुनी की दुकान से बैठा रहा सा, सब भाई की सुन लिया सर, मैं भाई सुन ली भाई की कह दूंगा, भाई साहब की सुन ली भाई साहब की कह दूंगा। आप समर्थक लग रहे हैं, आपने पहुंचा ही बात इस तरीके से पानी भिजवाया जा सकता था यहाँ? देखिए पानी की बात ऐसी है, हमारे गांव में बोर हैं तीन बोर फिलहाल स्टार्ट हैं, पानी आ रहा था, पहले भी आ रहा था पानी, लेकिन JJM के तहत जो नई लाइन खुदी है उसके तहत आपसी रंजिश के कारण उन्होंने हर किसी के कनेक्शन कर रखे थे ऊपर की तरफ, और बारीक छेद वाले कनेक्शन थे। अभी लोगों ने क्या किया, अपनी वैमनस्यता के लिए एक दूसरों के लिए अपने मोटे नलके लगा के नीचे लगा दिया उनको पाइपलाइन को। अब पानी का स्तर इतना नीचे है कि पानी मोटर इतना ही देती है कि बस पूर्ति हो जाए, लेकिन लोग बाग क्या करते हैं कि नीचे छेद होने के कारण उनकी मोटरें वगैरह पानी ज़्यादा स्पीड से लेती हैं, जिसके कारण वो आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन ऐसी समस्याएं अब क्या है, JJM के होने के बाद ही पैदा हुई हैं, उससे पहले ऐसी हर गांव, हर घर नल, हर घर पानी की सुविधा अवेलेबल है। हिंदुत्व का बड़ा कार्ड भाजपा खेलती है, यहाँ से भी लगातार नाम चल रहा था बाबा बालकनाथ योगी का, क्या लगता है तिजारा की भी खबरें आती होंगी बहरोड वालों के पास में चुनाव? नहीं साहब, हम तो यहीं तक सीमित हैं, फिर भी बहरोड तक, बहरोड में विधायक जसवंत सिंह आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि हमसे ज्यादा जानते हैं, आपने बताया तो होगा ना कि इस तरीके से करवा। जनप्रतिनिधि तो अपने आप मन की करते हैं, जो चुनिंदा आदमी है उनकी सुनते हैं। बालकनाथ जी यहाँ से अच्छे खासे मार्जिन लेके गए थे, क्या लगता है वहाँ के चुनाव का, अगर आपके पास कोई भाई साहब उसके लंगोटी खुल के वो वहाँ से ऐसे लंगोटी खोल के भेज को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं विधायक जी पर भी और पंचायत पर भी, क्या है? नहीं जी, पानी को समस्या नहीं है, तीन बोरिंग है, तीन चालू है, चौथा बोर है बिल्कुल रेडी है, उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, वो बिजली बोर्ड की कमी है, विधायक की कमी थोड़ी है, पंचायत की कमी थोड़ी है। विधायक के पास इतनी पावर तो होती है, बिजली का कनेक्शन तो करवा सकते थे। नहीं कनेक्शन हुआ है ना, बोर हुआ है, टाइम लगता है ना, कनेक्शन थोड़ा हो जाता है, विधायक है, गवर्नमेंट का थोड़ी विधायक। साहब बलजीत यादव इतनी ताकत में थे, मुख्यमंत्री तक का दर्जा था, एक दिन में भी हो जाता, लेकिन किया क्यों नहीं? ये तो पूछ रहे। नहीं कोशिश की है ना, किसने बनाया गया? विधायक के कोटे से नहीं है ना, ये उसके कोटे से, बस्तराम जी कोटे से बोरिंग हो गया, बस्तराम कोटे पंचायत प्रधान के कोटे से, विधायक का क्या रोल है इसमें? हमारे एक साथी और दिख रहे थे भाई साहब से, मैं बात कर रहा था भाई साहब, ये जो पानी वाला मैटर है, विधायक समर्थक अब प्रधान पर डाल रहे हैं, प्रधान समर्थक विधायक पर डाल रहे हैं, पानी नहीं हुआ बड़ी बात ये है। एक्चुअल बात है, पानी की कोई समस्या नहीं है, अगर है तो हमारे हो जाके देख लो, भरे हैं, अगर खाली होंगे तभी तो पानी की समस्या मानोगे भाई साहब? भाई पानी की समस्या आप कब मानोगे, जब हमारे पशु प्यासे मर रहे हो, हम प्यासे मर रहे हो, हमें तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। किसी को इंडिविजुअल है तो उसकी अपनी राय है यार। एक पक्ष को देख कर कह रहे हो? नहीं नहीं, कोई पक्षवादी नहीं, आप चलो अगर कैमरा है आपके पास देखो, घर में संसाधन पानी फुल है यार भाई साहब, झूठ बहुत कैसे कह दे। एक मोहल्ला में समस्या है, और ये जो लाइन जो बिछी है नई लाइन को खबड़ खच करके रख दिया, ये भाई साहब ने बिल्कुल बता दिया कि मोटे धक्के निकाल लिए भाई, इस लाइन में पर्याप्त पानी था, उसके बावजूद जहाँ पानी नहीं था ना, उन्होंने अपनी दादागिरी से दूसरी लाइन में अवैध कनेक्शन करके पानी की पूर्ति कर रहे हैं अपनी। अच्छी बात है, पानी पूर्ति होनी चाहिए, लेकिन अवैध क्यों हो भाई साहब? अवैध नहीं होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई साहब? देखो हमारे पिछली उस साइड से कनेक्शन थे, पानी नहीं आता था, पानी नहीं आता था, ये झूठ बोलते हैं, वहाँ से आता था, मेयर भाई साहब जाते थे खोदने दो दो घंटे वहाँ से लाइन, जब ये नई लाइन हुई तब से पानी की मौज है, आप सही हमारे मोहल्ले से, तो यही सर्वे है भाई। भाई साहब इसी लाइन में इस भैया का कनेक्शन है, इसी लाइन में इस भैया कनेक्शन है, इसी लाइन में ये भैया रहा, इसका कनेक्शन है। पहले पानी आता था ना तो करीब एक या डेढ़ घंटे में पानी इनके पास पहुंच जाता था, अब पिछले 10 दिन से इनके पास करीब 6 या 7 घंटे लगते हैं पानी पहुंचने में, पहले पहुंच रहा था 1 घंटे में, और जो अवैध कनेक्शन 10 हुए हैं
दादागिरी से जब इनके पास लेट पहुंच रहे, पानी पहुंच रहा है हैं जी, हाँ 10-15 दिन हुए हैं बस, 10-15 दिन। ओ भाई पानी की समस्या 2-3 महीने नहीं हुए, उन्होंने घुमा कर देख लेना किसी सुखो पड़ रो से नाला री भरया पड़े पानी की समस्या। कांग्रेस और बीजेपी ये मान रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी मान रहे हैं कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी राजस्थान में आती है, कांग्रेस एक बार बीजेपी तो अब बीजेपी का नंबर है ना है? इस हिसाब से बीजेपी का नंबर, बीजेपी का नंबर है। पिछली बार कांग्रेस कहाँ रही, निर्दलीय थे बलजीत तो जनता से, हाँ वो निर्दलीय की वजह से बच गए के उनको खरीद लिया गया, तो अब वैसे भी नंबर है बीजेपी का। देखिए चुनाव में सब तरीके की चर्चाएं चलती रहती हैं, ये अच्छी बात है कि यहाँ सभी लोग बहुत स्वस्थ चर्चा कर रहे हैं, समर्थक आप किसी के भी हो सकते हैं, लेकिन ये भाईचारा लगातार बना रहना चाहिए। आप देख रहे थे केडी न्यूज़, हम बहरोड के रिवाली ग्राम से ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे।